फ्रेंड्स, मैं रेखा शर्मा द रेखास गैलरी में लेके आई हूँ आज आपके लिए। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले की सब्जी जो कैल्शियम से भरपूर होती है। अब देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए मसाले हमें। तो मसाले चाहिए हमें, हमने ले लिए 2 कटे हुए प्याज, इनको बारीक काट लेंगे अभी, और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, हींग, ये रहा तिल, भुना हुआ तिल है, ये रही सौंफ, ये रहा सब्जी मसाला, और ये रहे मसाले हमारे जीरा, हल्दी, धनिया, मिर्च, और ये रहा गरम मसाला, सॉल्ट। ये सारे मसाले वही हैं जो इजली हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, कुछ हमें नया कुछ ढूंढने की, कुछ नया लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं अपने कच्चे केलों की रेसिपी। तो अपने बनानास को कट कर लेते हैं। पानी ले लिया हमने, नॉर्मल पानी है, नॉर्मल से थोड़ा ठंडा भी होगा तो चलेगा, फिलहाल चाहिए हमको नॉर्मल। अब थोड़ा सा हाथों पे ऑयल ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो बनानास होते हैं, ये जो कच्चे केले हैं, इनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है तो ये हाथ को काले कर देते हैं। तो उसके लिए इसमें हमने थोड़ा सा हाथों में अपने बनाना लगा ली, ऑयल लगा लिया, सॉरी। अब अपने बनानास को कट कर लेते हैं, ऐसे करके तो छील लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं काटेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है, गल जाता है, तो उसको बहुत छोटा नहीं काटेंगे। ये देखिए इस तरह के क्यूब काटे हुए हैं, इस तरह से सारे बनाने अपने काट लेंगे। तो आप हमारे ये देखिए केले कट के रेडी हो गए हैं। अब इनको अभी पानी से नहीं निकालेंगे, जब हम बनाएंगे तो डायरेक्ट निकालेंगे। अब हम डाल देते हैं अपने लिए पैन में, सबसे पहले गैस ऑन करते हैं और अपने पैन को गर्म होने देते हैं। इसमें डाल देते हैं कुकिंग ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, मैं डेली की कुकिंग इसी से करती हूँ, इसके फ्लेवर मुझे अच्छे लगते हैं। जब तक ये ऑयल गरम हो रहा है हमारा, तब तक इस अपने इस चॉपर में फटाफट से अपने गार्लिक को और अपने अनियन को फाइन चॉप कर लूँगी। एक ये देखिए इस तरह से दरदरा सा पिसकर आ गया है, देखिए इस तरह से ही हम लोगों को करना है, ना महीन है ना मोटा है। और हमारा जब तक ऑयल भी गर्म हो चुका है, इस टाइम यहाँ पर मैंने जीरा डाला हुआ था, वो सॉरी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ये हमारे प्याज लहसुन हल्के से, देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, आपको मैं पास दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें करने हैं, ये हल्के हल्के लाल हो गए हैं, ना ये जले हैं और ना ज़्यादा लाल हैं ना कच्चे हैं। तो आप इनमें डाल देते हैं अपने दूसरे मसाले। तो इसमें जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, आप उतनी ही डालें मसाले, मिर्च और नमक उतना ही डालें जितना आपके घर में यूज होता है, अपने अकॉर्डिंग डालें। हमारे ये मसाले भुन चुके हैं, तो अब डाल देते हैं उसमें अपने कच्चे केले जो हमने काट के रखे हुए थे। अब ये देखिए अगर इसको पानी में नहीं रखते तो ये काले हो जाते हैं, तो पानी में रख दिए थे इसलिए अभी तक काले नहीं हुए हैं, इनका कलर ख़राब नहीं हुआ है। तो अच्छे से चला देते हैं,
अब इसमें डाल देते हैं सॉल्ट, 1 टीस्पून या टेस्ट के अनुसार। अब इसमें जाएगी हींग, हींग को पहले किसी भी चीज़ में ना डालें, हींग का फ्लेवर जो है वो चला जाता है। मिक्स कर दें अच्छे से। अच्छे से टॉस हो गया है, बस अब इसको जो बाकी के मिर्ची की बची हुई हैं वो बीच में मिक्स करेंगे। तब तक इसको हम ढक के इसको लेट लगा कर पका लेते हैं, और ये बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको बीच बीच में चेक भी करते रहें। तो आइए अपने चेक कर लेते हैं केले, फिर से इनको पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो थोड़ा सा चेक करते हैं ये लगे तो नहीं है कहीं। केले देखिए हमारे कटने लगे हैं, ये देखिए पक गए हैं, थोड़े से दब नहीं रहे, हमसे गर्म से भी थोड़े से भी इसमें बाकी है कसर। तो अब इसमें मिला देते हैं अपने बचे हुए थोड़ा सा गरम मसाला, और अब डालते हैं इसमें थोड़ी सी सौंफ। सौंफ को पीसेंगे नहीं बल्कि हल्का सा बस रब करके ही डाल देंगे। चटपटी सब्जी में जब इसकी थोड़ी सी मिठास आएगी तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो अब डाल देते हैं थोड़ी सी इसमें सौंफ, और डाल देते हैं अपने ये सब्जी मसाला, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये फटाफट से तैयार होने वाली, मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है, और इसे किसी भी ओकेजन में किसी भी बनाकर खाया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी एक पार्टी डिश है। कर लेते हैं अब अपनी सब्जी फाइनली, इसका कलर इसकी खुशबू बता रही है कि ये पूरी तरह से पक चुकी है, और बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये देखिए ये अच्छे से मैश हो रही है, दिखा रही हूँ आपको मैं, गर्म की वजह से मैं दबा नहीं पा रही हूँ। ये देखिए ये कितने अच्छे से मैश हो रही है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इसका मतलब है कि सब्जी हमारी पूरी तरह से पक चुकी है। अब इसमें लास्ट में डाल देते हैं अपना धनिया, धनिया को डालकर इसको कर लेते हैं मिक्स, और बस सब्जी हमारी हो गई है तैयार। निकाल लेते हैं इसे अपने पैन से, और गैस की नॉब को कर देते हैं बंद। लेते हैं अपने पैन में फटाफट से, सब्जी रेडी हो चुकी है। अब इसमें लास्ट में डाल देंगे कुछ धनिया के पत्ते सजाने के लिए, थोड़ी सी धनिया मैंने बचा ली थी वो डाल देंगे इसमें, और डाल देंगे इसमें ये हमारे रोस्टेड तिल। की सब्जी हमारी रेडी हो गई है, आप देखिए कितने अच्छा सा कलर आया है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो आप ये बनाइए, खाइए, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी लग रही है ये फुल ऑफ कैल्शियम की सब्ज़ी कच्चे केले की। तो बनाइए और इन्जॉय करिए, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही हेल्दी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे मोटिवेट करें, और मुझे बताएं कि मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लग रही है, ताकि मुझे बनाने में अच्छा लगे आपके लिए। थैंक यू।